नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। अपने आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पर अपना एक स्टेटस कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्लिक कीजिए अपडेट स्टेटस पर। अब यहाँ पर अपना कोई भी स्टेटस आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ फोटो और अ वीडियो टू योर पोस्ट। अगर आप इस स्टेटस में कोई फोटो या वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस फोटो या वीडियो को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टैग पीपल इन योर पोस्ट। अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट में आपके कुछ दोस्त जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं उन्हें भी ऐड करें तो आप यहाँ से उन्हें टैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड को टैग करता हूँ। आप चाहें तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 जितने चाहे उतने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है फीलिंग्स। अगर आप यहाँ पे अपनी कुछ फीलिंग्स देना चाहते हैं जैसे कि वॉचिंग मूवी या फीलिंग्स, यहाँ पे हैप्पी, लव, क्रेजी, तो वो फीलिंग्स आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहा है ऐड अ लोकेशन टू योर पोस्ट। अगर आप इस स्टेटस में कोई लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई लोकेशन ऐड करना नहीं चाहता। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पब्लिक आ रहा है अभी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये स्टेटस सभी लोग देखें, जो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हों या ना हों सभी लोग देखें, तो आप इसे पब्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेटस सिर्फ आपके फ्रेंड देखें तो आप इसे फ्रेंड्स पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेटस आपका आपके फ्रेंड देखें साथ में उनके फ्रेंड लिस्ट में जो फ्रेंड ऐड हैं वो भी देखें, तो आप इसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर दीजिए। तो मैं इसे भी पब्लिक करूँगा। उसके बाद आप इसे पोस्ट कर दीजिए। सो ये आपका स्टेटस अपडेट हो चुका है और ये पोस्ट भी हो गया है। और यहाँ देखिए यहाँ आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आपने जितने लोगों को टैग किया है उन सभी की लिस्ट आएगी और ये आपका स्टेटस आएगा।